वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक क्लास डी एम्पलीफायर के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, इसका जो मॉडल है वो है पाम 8610। ये एक काफ़ी छोटे साइज़ का एम्पलीफायर है, लेकिन ये एक छोटा एम्पलीफायर नहीं है, ये है एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इसकी जो पावर है वो किसी बड़े एम्पलीफायर से कम नहीं है, जैसे कि कुछ बड़े एम्पलीफायर बोर्ड माने जाते हैं 44-40 वगैरह, तो उसके ही आसपास इसकी पावर होती है। इसकी जो पावर है 15+15, यानी डबल चैनल ये एम्पलीफायर है और 15+15 वोट का ये आउटपुट हमें देता है। इसको हम होम थिएटर वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं बिना किसी हीट सिंक के। ये हीट भी नहीं होता है क्योंकि ये क्लास डी टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, जिसमें कोई हीटिंग की इशू नहीं आता है। काफ़ी छोटा है, अगर आपके पास कोई बड़ी कैबिनेट नहीं है तो आप छोटी कैबिनेट में भी इसको बिठा के चला सकते हैं। इसकी जो है ऑपरेशन वोल्टेज की मैं बात करूँ तो वो 7 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट के बीच होती है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो वो 12 वोल्ट और 2 एम्पियर के साथ इसको यूज़ कीजिए और 15+15 वोल्ट के 2 स्पीकर इस पर चलाइए। बहुत अच्छा जो है इसका रिजल्ट आएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं इसके पूरे कनेक्शंस क्या क्या है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 स्पीकर रखे हुए हैं और ये जो दोनों स्पीकर हैं ये 15+15 वोट के, मतलब एक स्पीकर की जो पावर है वो 15 वोट है और 8 ओम का ये स्पीकर है और 15 वोट इसकी पावर है। ये जो है 4 इंच का स्पीकर है और ये मोस्टली होम थिएटर के अंदर जो है यूज़ किया जाता है, जो टॉवर होम थिएटर बोर्ड होते हैं उसके अंदर। अगर फ्रेंड्स इस स्पीकर को हम चलाएं तो मोस्टली इसको चलाने के लिए यहाँ पे जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है 2.1 एम्पलीफायर बोर्ड 2030 का, जो आप देख रहे हो। लेकिन यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि मैं इससे बहुत ही अच्छी तरीके से इसको रन करके दिखाऊंगा, यानी इन दोनों को चला के दिखाऊंगा, ऑपरेट करके दिखाऊंगा। और इस बोर्ड की जो साइज़ है वो आप देखो, लगभग 3 सेंटीमीटर ये लंबा है और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो काफ़ी छोटा सा ये बोर्ड है। आप इसको कंपेयर कर सकते हो हाथ के साइज़ में, तो ये काफ़ी छोटा है। अब इसकी जो बात कर लेते हैं वायरिंग की, तो वायरिंग करना मतलब बहुत ही आसान काम है, कोई इसमें ज़्यादा वायरिंग नहीं, जैसे हम इसमें जो वायरिंग कर सकते हैं कोई यहाँ पे हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी वायरिंग करने में, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ लिखी गई है ऑलरेडी। मैं आपको बोर्ड दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले पावर, ये GND और 12 वोल्ट, यहाँ पे हमें ग्राउंड मतलब नेगेटिव देना है और दूसरी साइड 12 वोल्ट देना है। और यहाँ पे एक प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने डायोड भी दिया है, ये काफ़ी अच्छी बात है कि इन्होंने डायोड यहाँ पे दिया है एक प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखोगे तो ये हो गया इसके आउटपुट, लेफ्ट आउटपुट L- और L+ यहाँ पे लगेंगे स्पीकर के वायर, और यहाँ पे देखोगे तो ये R- और R+, मतलब यहाँ पर राइट साइड के स्पीकर के वायर लगेंगे +-। यहाँ पर आप 3 पिन देख रहे हो, ये जो पिन है ये है इसमें, ये पिन जो ऑडियो इनपुट के लिए है, जो कि ऑडियो आएगी लेफ्ट राइट और बीच में इनका ग्राउंड हो गया, लेफ्ट इनपुट राइट इनपुट और बीच में जो है इसमें ग्राउंड है, तो ये इसके ऑडियो के सारे कनेक्शन हो गए। अब यहाँ पे आप देखोगे कि SW करके लिखा हुआ है, यहाँ पे एक कनेक्टर और है और इस पर लिखा हुआ है SW। तो फ्रेंड्स ये होता है इसका म्यूट स्विच, जैसे ही हम इन दोनों पॉइंटों को टच करेंगे यानी शॉर्ट करेंगे इस तरीके से, या इसमें बटन दबा के बटन को पुश करेंगे, तो जो एम्पलीफायर है ये म्यूट हो जाएगा, मतलब इससे आउटपुट आनी बंद हो जाएगी, ऑडियो आनी बंद हो जाएगी, तो इसका कोई यूज नहीं है। मैं यहाँ पे आपको कनेक्शन करके दिखा देता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे मैं फ्रेंड्स इस तरीके का रेनबो वायर जो होता है इसको यूज़ में ले रहा हूँ कनेक्शन करने के लिए, और मैं आपको पूरे कनेक्शन करके दिखा दूंगा, वीडियो थोड़ी सी पुश कर लेता हूँ। वायर के साथ जो है स्पीकर के और पावर के वायर कनेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आप देखो, ये जो आप देख रहे हो 3 पॉइंट, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ऑडियो के वायर हैं। यहाँ पे 3 हैं, एक लेफ्ट के लिए होता है, एक राइट के लिए होता है और बीच में ग्राउंड होता है, जो दोनों के लिए होता है, कॉमन इसको बोल देते हैं। अब फ्रेंड्स अगर आप इस तरीके का ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज कर रहे हो तो वहाँ पर तो आपको लिखा दिख जाता है, सेम एक जैसा ही लिखा हुआ होता है दोनों जगह। ये देखिए राइट आउट, ग्राउंड और लेफ्ट आउट, तो राइट आउट को राइट इन में दे दीजिए, लेफ्ट इनको लेफ्ट इन में दे दीजिए और ग्राउंड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दीजिए। कुछ इस तरीके के आप कोई मॉड्यूल यूज कर रहे हो, या जो डिस्प्ले वाले मॉड्यूल यूज कर रहे हो तो वहाँ पे भी लिखा आपको दिख जाएगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डिस्प्ले वाले मॉड्यूल हो गए होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ ना राइट आउट और लेफ्ट आउट, देखो मैं पास से थोड़ा सा फोकस करके दिखा दूँ, ये देखिए RO राइट आउट, LO लेफ्ट आउट और बीच में होता है ग्राउंड, जो कि नेगेटिव बोला जाता है। लेकिन प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स जब हम इसमें कोई ऑडियो जैक कनेक्ट कर रहे हों मोबाइल से डायरेक्ट म्यूजिक प्ले करने के लिए, AUX जिसको जैक बोलते हैं, इस टाइप का 3.1 AUX जैक, तो इसमें यहाँ पे 3 वायर हैं। अब हमें पता नहीं चल रहा है इसमें लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है और ग्राउंड कौन सा है,
कौन से को कौन सी जगह कनेक्ट करें, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों के बीच, इसी में वो कन्फ्यूज होते हैं और कमेंट करते हैं। तो इसका मैं सिंपल फंडा बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखो तीन पिन दी गई होती हैं, यहाँ पर 1, 2 और 3, ये तीन इसमें जो है वायर के कनेक्शन दिए गए हैं। कनेक्टर जो सबसे ऊपर वाला होता है, ये वाला जिसपे मैं ऐसे पकड़ोगे, ये वाला जिसको मैं टच कर रहा हूँ, ये होता है ग्राउंड, और ये लेफ्ट और राइट, एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा इसमें। लेकिन ये जो बड़ा वाला आप देख रहे हो, ये सबसे ऊपर वाला, ये होता है इसमें ग्राउंड, जिसको मैं टच कर रहा हूँ, ध्यान रखना ग्राउंड यही होता है। तो ग्राउंड के वायर को हमें कैसे पहचाने, यहाँ पे मैंने कंटिन्यूटी लगा दिया, अब एक एक वायर को देखिए मैंने टच किया, तो ये जो ब्लू वायर है ये ग्राउंड हो गया और ये लेफ्ट और राइट हो गए, ग्रीन और रेड जो वायर हैं ये लेफ्ट राइट के हो गए, और ये जो वायर है ये ग्राउंड का है। अब फ्रेंड्स हमें इसको ग्राउंड पे लगाना है बीच वाले पिन पे, और लेफ्ट राइट को हमें लेफ्ट और राइट पे लगा देना है, चाहे लेफ्ट को राइट पे लगा दो, राइट को लेफ्ट पे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बढ़िया वर्क करेगा। लेकिन ग्राउंड को हमेशा ग्राउंड पे ही लगाना, ये हमेशा ध्यान रखना कि ग्राउंड वायर जो होता है वो ग्राउंड के साथ ही कनेक्ट होता है, और लेफ्ट राइट अगर आपस में बदल जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत अच्छा वर्क होता है, सेम वर्क रहता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिए, बस ये ध्यान रखना है कि जो ग्राउंड वाला है वो इस जैक में सबसे ऊपर वाला होता है, ये वाला जिसको मैं टच कर रहा हूँ, बार बार आपको समझा रहा हूँ एक ही बात। इसके जो कनेक्शन है वो पूरे हो चुके हैं, यहाँ पे हमें और इससे ज़्यादा कुछ कनेक्शन नहीं करने होंगे। अगर आप स्विच लगाना चाहो इसको म्यूट करने के लिए तो वो लगा सकते हो, लेकिन मुझे उसकी कोई ज़रूरत है नहीं, तो मैं इसकी जो आपको टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं 12 वोल्ट दूंगा, वैसे तो इसको जो 8 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट तक चलाया जा सकता है, लेकिन इसे मैं 12 वोल्ट और 2 एम्पियर दे रहा हूँ, बहुत अच्छा इसका जो है रिजल्ट आएगा 2 एम्पियर पे। तो मैं यहाँ पे 12 वोल्ट कनेक्ट कर लेता हूँ, ये मेरा नेगेटिव हो गया 12 वोल्ट का और ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे देखिए एक लाइट भी ग्लो हो गई 12 वोल्ट देते ही। ये देखिए थोड़ी सी हमिंग ज़्यादा आ रही है क्योंकि ये एसी से चल रहा है डायरेक्ट। तो फ्रेंड्स इसमें थोड़ी सी हमिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही थी, वो क्या है कि अपना जो एडिप्टर है वो सही नहीं है, वो उसमें थोड़ी सी एसी की फिल्ट्रेशन सही नहीं हो पा रही है, डीसी की फिल्ट्रेशन, कैपेसिटर वगैरह अच्छे नहीं लगे हुए, तो इसमें हमिंग की प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्योर डीसी के लिए एक बैटरी यूज करूँगा, ये 6 एम्पियर की बैटरी है और 12 वोल्ट में। तो यहाँ पे देखिए कोई हमिंग की अब साउंड नहीं आ रही, जब मैं इससे आयरन टच करूँगा तभी आएगी, ये देखिए। लेकिन पहले इसमें हमिंग की साउंड ज़्यादा आ रही थी क्योंकि हम इसे एडिप्टर से यूज़ कर रहे थे और एडिप्टर मेरा अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो इस वजह से हमिंग की साउंड इसमें हमें देखने को सुनने को मिल रही थी। तो यहाँ पर सारे कनेक्शन हो चुके हैं और मैं इसकी आपको टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। एक बार देखिए यहाँ भी टेस्टिंग कर लीजिए, ये देखिए लेफ्ट स्पीकर चल रहा है इस वाले पॉइंट से लेफ्ट और इस वाले से राइट। आपको जो सुनाई नहीं दे रहा होगा लेकिन मेरे को सुनाई दे रहा है क्योंकि मेरे पास जो ऐसा माइक नहीं है कि जो अलग अलग चैनल में ऑडियो रिकॉर्ड करे, सिर्फ सिंगल चैनल मेरे पास माइक है। तो मैं अपने माइक को भी यहाँ पर रख दूंगा, लेकिन यहाँ पर पहले मैं म्यूज़िक प्ले कर लेता हूँ एक NCS। यहाँ पर मैंने ऑडियो जैक कनेक्ट कर दिया और मैं NCS प्ले कर लेता हूँ। पनीर पसंदा की रेसिपी क्या रही, कुछ रेसिपी बोलने से सब होगा। तो फ्रेंड्स आपने इसकी जो साउंड है सुन ली, काफ़ी तेज़ इसकी जो है
साउंड यहाँ पे आ रही है, और 8-8 इंची के दो स्पीकर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो है चल रहे हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आ रही। बस थोड़ा थोड़ा बिल्कुल ना के बराबर जो अपना एम्पलीफायर है वो हीट हो रहा है, ज़्यादा हीट नहीं हो रहा है, हमें कोई हीट सिंक की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती। और बैटरी से ये डायरेक्ट चल रहा है, आप देखो कोई एक्स्ट्रा वायर नहीं आ रहे, पूरा सेटअप आपकी जो है कैमरे के फ्रेम में आप देखो पूरा डिस्प्ले पे आपको शो हो रहा होगा, कोई एक्सटर्नल वायर नहीं आ रही, ऑडियो जैक यहाँ पे लगा हुआ है, और एम्पलीफायर बोर्ड आप देख सकते हो कितना छोटा है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना फ्रेंड्स, और चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको ये एम्पलीफायर बोर्ड खरीदना है या ये स्पीकर खरीदने हैं तो इसकी जो बाय लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ऑनलाइन पे करके वो खरीद सकते हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।